तू है तो हिम्मत है, तू है तो जन्नत है, तू है तो रहमत है। माँ माँ तू है, तू है तो सब कुछ है, तो सब कुछ है, तो सब कुछ है, तो सब कुछ है। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो। माँ कहाँ हो आप? हम इसे बहुत लोगों की आदत होती है, जब भी घर पे दाखिल होते हैं तो सबसे पहले माँ को आवाज लगती है। मतलब चाहे कितने ही लोग घर में हों, लेकिन जब तक माँ नजर नहीं आती तब तक घर अधूरा सा ही लगता है। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों? उसकी मौजूदगी का एहसास होना ही जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। क्योंकि हालातों के आगे जब साथ ना जुबां होती है, खामोशी में भी पहचान लेती है जो दर्द, वो सिर्फ माँ होती है। हमें से तमाम बच्चों की ये शिकायतें होती हैं, तुम हर बात के लिए टोकती हो, हर छोटी छोटी बात पे उलाहना देती हो। इतनी शिकायतें हर बात में टोका टाकी, पर कभी सोचा है कि आखिर माँ ही क्यों इतना टोकती है? हाथों तराशा है माँ, किस्मत हर हर पता है, हमारी जब जरूरतें पूरी नहीं होती हमें वो करने से रोकती है जो करना सही नहीं होता, पर हम उसे अपने शब्दों में आज़ादी कहते हैं। लेकिन माँ जानती है कि आज़ादी उसके बच्चे के लिए महंगी पड़ सकती है, तभी तो वो डांटती है कि इनके साथ दोस्ती करना अच्छी बात नहीं, इतनी रात से घर आना अच्छी बात नहीं, ऐसा खाना खाना अच्छी बात नहीं, हर बात में टोका टाके करती है। पर क्या आपने ये नोटिस किया है कभी कि इन फिजूल की बातों में कोई और अपना टाइम आपके लिए बर्बाद करता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि किसी और को आपकी क्या परवाह होगी, क्यों परवाह होगी? पर एक माँ ही होती है जिसे अपनी किसी चीज की नहीं पर अपनी संतान की हर बात की परवाह होती है। हमारी तमाम शिकायतों के बावजूद लबों पर उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही तो है जो कभी खफा नहीं होती। हम अक्सर ये बात सुनते हैं और महसूस भी करते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाया। पर माँ बनाकर वो थोड़ा तो पछताया। कहीं पढ़ा था मैंने, खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके सामने कोई और परवरदिगार हो गया। मायूस तो हुआ होगा खुदा और सोच रहा होगा, माँ को बनाकर मैं खुद बेरोजगार हो गया। अच्छा, ये माँ भी कितनी अजीब होती है ना। इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं, ऐसे दर्द को झेलकर वो अपने औलाद को पैदा करती है, और उस असहाय पीड़ा में भी वो खुशी से झूम मुस्कुराती है। पर अगर रत्ती भर की चोट उसके बच्चे को लग जाए तो तकलीफ से टूट जाती है। तेरी दुआ ही है जो मैं यूं बढ़ता हूँ, बढ़ना भी तुझसे ही तो सीखा है माँ। हमारी माँ अपनी पूरी जिंदगी हमें क्या कुछ नहीं देती, चलो इस मदर्स डे हम अपनी माँ को कुछ देते हैं। मुश्किल टास्क है ये सोचना कि माँ को क्या दिया जाए। चलो मैं सजेस्ट करती हूँ, इस मदर्स डे अपनी वो एक आदत बदलना है जो हमारी माँ को पसंद ना हो। मेरी माँ को शिकायत है मेरे देर रात तक जगने की, तो माँ आज से तय रहा, अब से देर रात नहीं जगूंगी। दोस्तों, आपकी माँ आपकी कौन सी आदत को छुड़वाना चाहती हैं? कमेंट कर बताएं और प्रॉमिस करें आज इस मदर्स डे जो पसंद नहीं करती उस आदत को हटाकर उन्हें ये प्यारा सा तोहफा देंगे। पूरे दिल से लिया जब मैंने अपनी माँ का नाम, ये सारा जहां इकट्ठा होकर बोला, खुश रहे तूने कर लिए पूरे आज चारों धाम।
दुनिया की हर एक माँ को कभी विश करता है अ वेरी स्पेशल हैप्पी मदर्स डे। होता है तीरथ मुझको नजर जब माँ आती है, मुझको नजर जब दोस्तों ऑडियो अगर पसंद आया है तो उसे पूरा सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें खबरी ऐप।